गुड इवनिंग बच्चों, मैं डॉक्टर श्वेता श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हमारा टॉपिक है शब्द संकल्पना, जिसे हम शब्द निर्माण या शब्द रचना भी कह सकते हैं। शब्द क्या है, वह कैसे निर्मित होते हैं और हिंदी शब्दकोश में कैसे इन शब्दों को रखा जाता है, इसके विषय में हम जानेंगे। सबसे पहले हम जानें कि शब्द क्या है। तो शब्द की परिभाषा देते हुए महाभाष्यकार पतंजलि ने कहा है कि व्यवहार लोक में अर्थ प्रतीति कराने वाली ध्वनि को शब्द कहते हैं। यानी एक या एक से अधिक वर्ण, एक या एक से अधिक जो सार्थक और स्वतंत्र वर्ण समूहों को हम शब्द कहते हैं। यह है इसकी परिभाषा, जैसे अलग अलग विचारकों ने, अलग अलग भाष्यकारों ने अपने अपने रूप में दिया है, लेकिन मूलतः इसको हम इसी से परिभाषित कर सकते हैं कि सार्थक वर्ण समूह जो होते हैं वही शब्द होते हैं। ये दो रूपों में हमें मिलते हैं। एक क्या होते हैं, एकाक्षर रूप में मिलते हैं, यानी जो स्वतंत्र होते हैं और जो सार्थक भी होते हैं, जो एकाक्षर होते हैं, यानी कि एकाक्षर रूपों में हमें जैसे न हमने मान लिया तो ये क्या है, ये एक वर्ण है, एक अक्षर है, लेकिन अपने आप में ये सार्थक है और इसका अर्थ होता है नहीं। जैसे हमें व मान लिया तो इसका अर्थ हो गया और, यानी कि और या तथा कुछ भी मान लेते हैं, यानी ये अपने आप में भी स्वतंत्र होते हुए भी यह पूर्णतः सार्थक है। और कुछ ऐसे वर्ण होते हैं जो दो वर्णों को मिलाकर के बनते हैं, कुछ ऐसे शब्द जो बनते हैं, जैसे हमने क म ल, दो या दो से अधिक, जैसे यहाँ हमने लिया क अलग है, म अलग है, ल अलग है, ये अलग अलग वर्ण हैं, लेकिन इन सब को मिला के क्या बनता है, क म ल, ये एक शब्द का निर्माण होता है। तो ये दो या दो से अधिक वर्णों के मिलाने से, जो योग से जो बनता है, उसे शब्द कहते हैं। यानी दो रूपों में हमें शब्द मिलता है। अब हिंदी शब्दकोश में या व्याकरण में शब्द का जो निर्माण है वो किस आधार पर होता है, यानी किन बिंदुओं को शब्द निर्माण में आवश्यक माना जाता है। तो हम शब्द निर्माण के चार भेद देख पाते हैं। पहला भेद है अर्थ के आधार पर, यानी अगर हम इसका वर्गीकरण करें कि किस आधार पर शब्द की रचना होती है, तो शब्द की रचना के चार आधार हैं। शब्दों का वर्गीकरण, शब्दों का वर्गीकरण, ठीक है, या इसके भेद, ठीक है। तो पहला क्या है, वह है अर्थ के आधार पर, यानी किसी भी शब्द का निर्माण अर्थ के आधार पर किया जाता है। दूसरा है उत्पत्ति के आधार पर, यानी हम इसे स्रोत के आधार पर भी कह सकते हैं, ठीक है, यानी किसी एक जगह से इसकी उत्पत्ति हुई है, उत्पत्ति के आधार पर यानी स्रोत के आधार पर, दोनों हम कह सकते हैं इसको, ठीक है। तीसरा है व्युत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर, यानी इसकी जो बनावट है, यानी इसकी जो रचना है, उसके आधार पर भी हम शब्द का निर्माण करते हैं। फिर है एक प्रयोग के आधार पर, या कह लें रूप परिवर्तन के आधार पर, दोनों ही हम कह सकते हैं, प्रयोग के आधार पर। इन चार आधार बिंदुओं
पर शब्द की रचना होती है, शब्द का निर्माण होता है। अर्थ के आधार पर शब्द का निर्माण दो रूपों में होता है, यानी इसके दो भेद हम देख पाते हैं। पहला है सार्थक, सार्थक, और दूसरा है निरर्थक, यानी दो इसके रूप मिलते हैं, दो तरीके से बनाए जाते हैं। सार्थक उन ध्वनि समूहों को, यानी उन वर्णों को, उन वर्णों का जो समूह है जो सार्थक ध्वनि उच्चरित करता है, यानी उसका एक निश्चित अर्थ हो, तो ऐसे ही शब्दों को हम सार्थक शब्दों की श्रेणी में रखेंगे। जैसे कि हम मान लेते हैं रोटी, ठीक है, उदाहरण रूप में हम दे देते हैं रोटी, अमर, जो हम सामान्य भाषा में बोलते हैं, पानी, कुछ भी हम ऐसे मान लेते हैं, ये है सार्थक, इनका एक अपना अर्थ है, ठीक है, यानी ऐसे शब्द सार्थक शब्द कहलाते हैं। वहीं कुछ ऐसे वर्ण समूह जो कुछ निरर्थक ध्वनि उत्पन्न करते हैं, यानी उनकी जो ध्वनि है उसमें कोई निश्चित अर्थ नहीं होता, ऐसे शब्दों को हम निरर्थक शब्द कहते हैं, जो कि लोक प्रचलन के आधार पर या बोलचाल के उच्चारण के आधार पर सामान्य रूप से व्यवहार में आ जाती है। जैसे कि हम उदाहरण देखते हैं, हमने यहाँ कहा रोटी, ये एक सार्थक शब्द है, लेकिन इसके साथ साथ कभी कभी हम बोटी बोल देते हैं, ठीक है, तो ये क्या है, ये एक निरर्थक शब्द है, इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसे कभी कभी लोग व्यवहार में बोल देते हैं। जैसे पानी के साथ हम वाणी बोल देते हैं, तो इसका व्यवहार में प्रयुक्त होता है, लेकिन व्याकरणिक दृष्टिकोण से या शब्द निर्माण के दृष्टिकोण से इसका कोई अर्थ नहीं होता, ठीक है, क्लियर है, सार्थक और निरर्थक, ये क्लियर हो गया। कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जो शब्दांश कहलाते हैं, यानी अर्थ के आधार पर ही उनका निर्माण होता है, जो कि शब्दांश कहलाते हैं। अब शब्दांश हम किसे कहते हैं, हमने पहले आपको बताया कि कुछ ऐसे सार्थक और स्वतंत्र शब्द होते हैं, कुछ ऐसे सार्थक और स्वतंत्र वर्ण होते हैं जो कि किसी शब्द का निर्माण करने में सक्षम होते हैं, और कुछ ऐसे भी वर्ण होते हैं, कुछ ऐसे भी शब्दांश होते हैं जो मूल प्रत्यय में, यानी जो मूल रूप है, मूल जो शब्द है जिसे हम संस्कृत में प्रकृति के नाम से जानते हैं, उसमें जुड़ करके एक सार्थक शब्द की रचना करते हैं। उदाहरण के रूप में हम देखें अगर तो उपसर्ग और प्रत्यय, ये दो ऐसे शब्दांश होते हैं जिनसे हम नए शब्दों का निर्माण करते हैं, जो कि अर्थ के आधार पर ही होते हैं। उपसर्ग क्या होता है, ऐसे वर्ण जो कि किसी मूल शब्द के आगे लगाए जाते हैं, यानी पूर्व में लगाए जाते हैं, ठीक है, जैसे अ, ये अ जो है वह अगर हम भाव, ये मूल शब्द है भाव, इसके आगे अगर हम जोड़ दें तो क्या बन जाता है, अभाव, जिसका एक शाब्दिक अर्थ है, यानी कमी, ठीक है, ये अपने आप में ये मूल धातु है, ये अपने आप में सार्थक है, लेकिन अ लगाने से एक नए शब्द का निर्माण हम कर पाते हैं, तो ये शब्दांश है जिसे हम उपसर्ग कहते हैं और अर्थ के आधार पर शब्द का निर्माण करते हैं, ठीक है। ये प्रत्यय, प्रत्यय क्या होते हैं, प्रत्यय हम पीछे लगाते हैं, ठीक है, किसी भी शब्द के पीछे हम
प्रत्यय लगाते हैं। ठीक है, जैसे हमने मान लिया पान वाला, ठीक है, ये पान क्या है, ये अपने आप में सार्थक है, लेकिन इसके पीछे हमने अगर वाला लगा दिया तो ये क्या हो जाता है, एक नए अर्थ का निर्माण करता है पान वाला। अगर हम सीधे सीधे इसको इस तरह से देखें तो ये पान वाला यानी ये शब्दांश है जिससे अर्थ के आधार पर दोनों में शब्द का निर्माण हुआ है। ठीक है, उपसर्ग और प्रत्यय ये शब्दांश है, इसके आधार पर भी शब्द का निर्माण होता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया कि अर्थ के आधार पर शब्द का निर्माण सार्थक और निरर्थक दो इसके भेद हैं और दो शब्दांश हैं जिसके आधार पर शब्द का निर्माण हम देख पाते हैं। ठीक है, अभी क्या है, दूसरा है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर हम शब्दों के पांच भेद देख पाते हैं, यानी पांच रूपों में उत्पत्ति होती है। उत्पत्ति यानी स्रोत भी हम कह सकते हैं इसको, कि ये शब्द कहाँ से आए हैं। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि हिंदी जो है वह संस्कृत से निर्मित हुई है, तो संस्कृत के जो शब्द हैं वो संस्कृत के शब्द अगर एज इट इज आ जाए हिंदी में, यानी हूबहू वह हिंदी में जैसे आ जाते हैं, तो उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं, यानी तत्सम। तत् का मतलब होता है उसका, उसकी जैसा, ठीक है, उसके या उसका जो भी हम कह लें, और सम मतलब होता है समान, यानी उसके समान या उसके जैसा, यानी संस्कृत के जैसा। ऐसे ही शब्दों को हम तत्सम शब्द कहते हैं जो कि सीधे सीधे हिंदी में आ गए हैं और शब्दकोश में उनकी व्याख्या की जाती है। उदाहरण के रूप में अगर हम ले लें अट्टालिका, ठीक है, अट्टालिका ये क्या है, ये संस्कृत का एक शब्द है, क्षेत्र, ठीक है, ये हो गया तत्सम शब्द। ऐसे शब्द हमें हिंदी व्याकरण में और हिंदी शब्दकोश में मिलते हैं। दूसरा है तद्भव, ठीक है, दूसरा है तद्भव। तद्भव मतलब उसके से निर्मित, तद का मतलब होता है उससे और भव का अर्थ होता है जन्म लेने वाला या उत्पन्न। ठीक है, तद्भव यानी संस्कृत से हिंदी में जो जन्म लिए हैं शब्द या उनकी उत्पत्ति हुई है उन्हें हम तद्भव कहते हैं। ऐसे शब्दों से कुछ शब्द हिंदी शब्दकोश में बनाए गए हैं। जैसे हमने यहाँ अट्टालिका लिया, अट्टालिका चूंकि तत्सम शब्द है लेकिन अगर इसे हिंदी में हम कहेंगे तो ये अटारी हो जाएगा। ठीक है, यानी इस शब्द से ही हिंदी का तद्भव अटारी शब्द बनता है। जैसे क्षेत्र है, इसका हिंदी तद्भव रूप जो है वह क्या हो जाएगा, खेत हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, तत्सम तद्भव यानी ये संस्कृत के समान और ये संस्कृत से उत्पन्न। तीसरा है देशज, तीसरा रूप हम पाते हैं देशज, जो कि क्षेत्र विशेष के आधार पर बनते हैं, यानी क्षेत्र विशेष या वातावरण के आधार पर बनते हैं। जैसे आसपास की जो बोली है उस बोली में ध्वनि के आधार पर कुछ शब्द बोलचाल के व्यवहार में आ जाते हैं, उन्हें हम देशज कहते हैं। इसे हम अगर चाहें तो गवई भी कह सकते हैं, क्योंकि क्षेत्र विशेष जो कि जिसमें शहरीकरण नहीं होता या कह सकते हैं व्याकरणिक दृष्टिकोण से वह बहुत संपन्न नहीं होता, तो इसलिए हम इसे देशज शब्द कहते हैं जो कि क्षेत्र विशेष से संबंधित होते हैं। तो ऐसे शब्दों में हम उदाहरण स्वरूप ले सकते हैं, ऐसे लोटा,
ठीक है, ये क्या है? लोटा, ये देशज शब्द है, गवई शब्द है, ये भी उत्पत्ति के आधार पर हिंदी शब्द कोश में इसे सम्मिलित किया गया है। ठीक है, तीसरा आधार है विदेशज। तीसरा क्या है? विदेशज या विदेशी शब्द कहते हैं, विदेशज या विदेशी। ठीक है, ये ऐसे शब्द होते हैं जो विभिन्न भाषाओं से सीधे सीधे हिंदी शब्दकोश में आ जाते हैं, यानी क्योंकि मनुष्य जो है वो भ्रमणशील है, समाज में जब अन्य किसी क्षेत्र विशेष से या अन्य किसी देश से मिलता है और उस देश की भाषा से उसका संपर्क होता है, तो ऐसी स्थिति में वह उस भाषा को भी ग्रहण कर लेता है। तो उत्पत्ति के आधार पे जो हमने शब्दों का निर्माण पढ़ा, तो उसमें हम ये कह सकते हैं कि ग्रहण करने की भी क्षमता होती है, तो विभिन्न भाषाओं से वह ग्रहण कर लेता है शब्द। जैसे अंग्रेजी के कुछ शब्द हैं, अरबी फारसी के हैं, तुर्की के, जापानी हैं, तो उन शब्दों को वह सीधे सीधे ग्रहण कर लेता है। तो इसमें अंग्रेजी के शब्द, मान लीजिए जापानी शब्द है एक रिक्शा, ये इसका उदाहरण दे सकते हैं, रिक्शा। ये सामान्य बोलचाल में हम इसे हिंदी का ही शब्द मानते हैं, लेकिन ये वास्तव में कहाँ से आया है? जापानी शब्द से ये आया है। ठीक है, रेल जैसे हम बोलते हैं रेल या पेन, ये सभी अंग्रेजी शब्द के उदाहरण हैं जो कि सीधे सीधे आम बोलचाल में हिंदी शब्दकोश में शामिल हो गए हैं और इनका व्यवहार उसी रूप में होता है और ऐसा लगता है कि ये हिंदी के ही शब्द हैं। कुछ ऐसे ही शब्द विदेशी जो कि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि यह शब्द किस भाषा का है, ठीक है, किस भाषा के ये शब्द हैं। तो जैसे चीनी भाषा का कोई शब्द है या कह लें कि फारसी, अरबी, तो मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ शब्द आपको दे दूंगी, शब्द जिससे कि आपको ये पता चल जाए कि यह किस भाषा से हिंदी में आया हुआ है। फिर पांचवा है संकर शब्द। उत्पत्ति के आधार पर संकर शब्द भी होते हैं, यानी ऐसे शब्द जो दो भाषाओं से मिलके बने होते हैं, यानी अंग्रेजी और हिंदी दोनों शब्दों से मिलकर के कोई शब्द बन गया है। ठीक है, जैसे कि रेल, इसका उदाहरण स्वरूप हम देते हैं, रेल है ये अंग्रेजी का शब्द है लेकिन हिंदी में गाड़ी। ठीक है, दोनों को अगर हम मिलाएं तो रेलगाड़ी, ये एक नया शब्द बनता है जिसे हम संकर शब्द कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, संकर शब्द की के अंतर्गत इसे रखते हैं। तो यानी एक नए शब्द का निर्माण हुआ और ऐसे ही शब्दकोश में निर्मित होते हैं शब्द, और उत्पत्ति के आधार पर ये पांच भेद हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। ठीक है, अब है व्युत्पत्ति के आधार पर, यानी व्युत्पत्ति यानी बनावट के आधार पर। बनावट के आधार पर हमें तीन रूप मिलते हैं शब्दों के। बनावट के आधार पर रूढ़ी, दूसरा यौगिक, तीसरा है योग रूढ़ी। योग रूढ़ी, ठीक है, रूढ़ी हम उन शब्दों को कहते हैं जो अपने आप में सार्थक शब्द हैं। जैसे सामान्य हम भाषा में इन शब्दों को पढ़ते हैं या बोलते हैं, वो रूढ़ी शब्द हैं सामान्य भाषा में।
जैसे मोहन है, राम है, ये सभी रूढ़ी शब्द हैं, यानी इनका अपना एक अर्थ है। ठीक है, इनका एक अपना अर्थ है। कलम है, हम कोई भी एक शब्द उदाहरण स्वरूप ले सकते हैं। यौगिक शब्द हम उन शब्दों को कहते हैं जो दो शब्दों को मिलाकर बनते हैं, यानी दो ऐसे शब्द जो अपने आप में सार्थक हैं और उनको मिलाने से एक अन्य जो सार्थक शब्द है उसका निर्माण हम कर पाते हैं, उन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण स्वरूप हम लेते हैं हिम। हिम ये एक शब्द है और आलय, दोनों को मिला दिया जाए तो क्या हो गया, हिमालय। यानी ये दोनों मिल करके एक नए शब्द का निर्माण कर पाते हैं, उन्हें हम कहते हैं हिमालय। ये यौगिक शब्द हैं, यानी दो शब्दों को मिला करके जो शब्द बनाए जाते हैं। योग रूढ़ी, ये तीसरा भेद है योग रूढ़ी। योग रूढ़ी हम उन शब्दों को कहते हैं जो परंपरा से योग रूढ़ हो गए हैं, जो वास्तव में दो होते हैं, यानी दो शब्दों को मिलाकर के बने होते हैं। क्योंकि क्योंकि योग लिखा ही है तो योग का मतलब ही होता है दो शब्दों का जोड़। तो दो शब्दों को मिला करके एक शब्द बना, लेकिन उस शब्द को परंपरा के अनुसार वह रूढ़ हो गया किसी एक निश्चित अर्थ के लिए। ठीक है, जैसे हम उदाहरण स्वरूप देख पाते हैं दशानन, दशानन, दशानन क्या है, दश आनन मीन्स होता है मुख। ठीक है, यानी दस मुखों वाला ऐसा होता है, लेकिन वास्तव में यह रावण का पर्याय बन गया है। यानी आज हम अगर बोलें दशानन तो उसे लोग रावण के रूप में मानने लगते हैं, क्योंकि ये योग रूढ़ हो गया है, ये परंपरा से प्रचलित हो गया है। जैसे हम पंकज कहें, एक दूसरा उदाहरण लेते हैं पंकज। ठीक है, पंकज का वास्तविक अर्थ होता है, पंक मीन्स होता है कीचड़ और अज मीन्स होता है जन्मा, यानी जो कीचड़ में जन्म लिया हो। ठीक है, लेकिन आज जो प्रचलित भाषा है उसमें परंपरा से रूढ़ हो गया है पंकज शब्द कमल के लिए, यानी कमल इसका पर्याय बन गया है। ठीक है, ये इसका उदाहरण हो गया योग रूढ़ी का। ठीक है, विपत्ति के आधार पर या बनावट या रचना के आधार पर अगर हम देखें तो तीन भेद मिलते हैं, रूढ़ी, यौगिक और योग रूढ़ी। ठीक है, इसके बाद आता है प्रयोग के आधार पर। ठीक है, प्रयोग के आधार पर या कह लें रूप परिवर्तन के आधार पर। तो रूप परिवर्तन और प्रयोग के आधार पर हमें दो रूप मिलते हैं शब्द के, जिससे निर्माण होता है, जिसे हम विकारी और अविकारी दो रूपों में देख पाते हैं, या कह सकते हैं कि दो भेद इसके होते हैं। ठीक है, विकारी हम उन शब्दों को कहते हैं जिनमें परिवर्तन हो सकते हैं, यानी काल, समय, काल को ही हम समय कहते हैं, लिंग, वचन और कारक के अनुसार जिनमें परिवर्तन हो सकते हैं उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। यानी मूल जो शब्द है उसमें विकार उत्पन्न हो सकता है, वह परिवर्तित हो सकने वाले शब्दों को हम विकारी शब्द कहते हैं। यानी जो परिवर्तन वाले शब्द हैं उनमें दो रूप मिलते हैं, नाम, नाम और क्रिया। ठीक है, नाम में क्या क्या आ जाता है, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण।
संज्ञा सिंपल जो वर्ड्स होते हैं उन संज्ञा और उसके ही शब्दों को हम सर्वनाम, उसके ही रूपों को व्यक्त करने के लिए सर्वनाम बनाते हैं, और संज्ञा और सर्वनाम की ही विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। यानी इन तीनों में, ये तीनों नाम में आते हैं, नाम धातु में, और इन तीनों में काल वचन लिंग कारक के अनुसार परिवर्तन होते हैं। वहीं हम क्रिया देख पाते हैं, क्रिया का अर्थ होता है किसी कार्य को करना, यानी क्रिया भी कारक और काल समय के अनुसार परिवर्तित होती है, यानी वर्तमान काल भूतकाल भविष्यकाल इस तरह से परिवर्तित क्रिया में भी होती है। यानी विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिनमें परिवर्तन होता है, किसी कारण से परिवर्तन हो जाते हैं, ये ठीक है। फिर है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द क्या होते हैं? जिनमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन न हो, काल समय जैसे कहते हैं लिंग वचन और कारक, किसी भी कारण से ऐसे शब्द जिसमें कोई परिवर्तन न हो हम उन्हें अविकारी शब्द या फिर कह लें अव्यय शब्द भी कहते हैं, जिसका व्यय न हुआ हो, ठीक है, इसे अव्यय भी कहते हैं। कभी कभी ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि अव्यय और अविकारी अलग अलग हो जाते हैं, ऐसा बच्चे समझ जाते हैं, लेकिन वास्तव में ये दोनों एक हैं, ठीक है, दोनों का अर्थ एक ही होता है। जैसे हम जब, तब, कहाँ, इस प्रकार के जो शब्द यूज करते हैं हम, वो सभी क्या हैं? अविकारी हैं। और अविकारी शब्द जो होते हैं वो चार रूपों में हमें देखने को मिलते हैं, जैसे क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, ठीक है, क्रिया विशेषण, ये पहला हो गया, दूसरा हो गया समुच्चय बोधक यानी कंजक्शन जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं समुच्चय बोधक, तीसरा है संबंध बोधक यानी दो शब्दों में संबंध प्रकट करने वाले शब्द, ठीक है, इन्हें हम संबंध बोधक शब्द कहते हैं। चौथा है विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक, ठीक है, यानी इन चार आधारों पर हमें अविकारी शब्द मिलते हैं, यानी जो कारक वचन लिंग समय के अनुसार परिवर्तित होते हैं और उनका ये आधार है, यानी इन आधारों में परिवर्तन हो जाते हैं, इन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं। तो इस तरह से हमने आपको ये बताया कि शब्दों का वर्गीकरण यानी शब्दों का निर्माण कैसे, किन आधारों पर होता है, यानी व्याकरणिक दृष्टिकोण से और शब्दकोश में जिन शब्दों को रखा गया है, शामिल किया गया है, उनको शामिल करने का आधार क्या है। तो उसका आधार है ये चार, अर्थ के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, विपत्ति के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। कुछ प्रश्न जो कि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं इस शब्द रचना के टॉपिक से, उसको मैंने आपके लिए कुछ तैयार किया है और हो सकता है कि यह परीक्षाओं में पूछे जाएं, उसे हम आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न हम देखते हैं, शब्द क्या है, ऐसे पूछे जा सकता है कि शब्द क्या है, तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं उसमें, जैसे तो शब्द क्या है, शब्द क्या है, शब्द एक या अधिक सार्थक ध्वनि समूहों का या वर्ण समूहों का मेल है, ठीक है, उसे हम शब्द कहते हैं,
शब्द क्या है? दो या अधिक, एक या अधिक कह सकते हैं हम। सार्थक वर्णों का समूह, वर्णों का समूह जिसे हम शब्द कहते हैं, ठीक है, ये शब्द की परिभाषा हो गई। शब्दों का वर्गीकरण का आधार क्या है या कितने आधार हैं, ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं। तो शब्दों के वर्गीकरण का आधार है, दो वर्गीकरण कर सकते हैं शब्दों के वर्गीकरण में हम। अगर कुछ प्रश्न अलग अलग विकल्प में होते हैं तो इसके क्या है, चार आधार हैं, जो कि हमने अभी पढ़ा, अर्थ के आधार पर, उत्पत्ति, उत्पत्ति और प्रयोग के आधार पर, ठीक है। अब ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं कि तीसरा है, तत्सम शब्द किसे कहते हैं, तत्सम शब्द किसे कहते हैं, ठीक है, तत्सम शब्द किसे कहते हैं। तो तत्सम शब्द किसे कहते हैं, संस्कृत को कहते हैं, ये प्रश्न का उत्तर हो गया आपका। इसी तरह से हम तद्भव के लिए भी हो सकता है पूछा जा सकता है कि तत्सम शब्द के साथ उसको, तत्सम शब्द और तद्भव शब्द दोनों को पूछ सकते हैं। फिर है देशी शब्द किसे कहते हैं, तो ये भी आपको समझ में आ जाएगा कि देशज शब्दों को हम देशी शब्द कहते हैं। या ऐसे भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों को कितने भेदों में बांटा गया है, यानी बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद कितने हैं। बनावट के आधार पर शब्द भेद कितने हैं या कौन कौन से हैं, ठीक है, तो तीन है ये पता ही आपको, रूढ़ी तीन है जो हमने बताया आपको, रूढ़ी, यौगिक और योग रूढ़ी, ये इसका उत्तर हो गया। फिर कुछ ऐसे शब्द हैं जो विभिन्न भाषाओं से आए हैं, जैसे कि एक शब्द है कूपन, ठीक है, कूपन यह किस भाषा का शब्द है, ठीक है, कूपन किस भाषा का शब्द है, ये प्रश्न पूछ सकता है। तो भाषा का शब्द है तो ये फ्रेंच भाषा का शब्द है, ठीक है, ये फ्रेंच भाषा का शब्द है, ठीक है, ये क्लियर है कि फ्रेंच भाषा का ये शब्द है। जैसे कि इसी तरह से हम दूसरा प्रश्न बना लेते हैं, ये आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। दूसरा शब्द के आधार पे हम बना लेते हैं प्रश्न कि कैची शब्द किस भाषा का है, ठीक है, कैची शब्द किस भाषा का है, ठीक है, तो कैची शब्द किस भाषा का है या किस भाषा से लिया गया है, भाषा का है तो यह है तुर्की भाषा का शब्द, ठीक है, इसका उत्तर हो गया तुर्की भाषा का शब्द है। इसी तरह से कुछ और शब्द जैसे पूछ सकता है उटपटांग शब्द या किस भाषा का है, या तीन चार शब्द दिए हुए हैं उनमें से आपको पहचानना है कि उटपटांग, उटपटांग यह किस भाषा का शब्द है, तो ये देशज शब्द है, ये क्या है, देशज शब्द है। इसी प्रकार से बहुत सारे शब्द जो विभिन्न भाषाओं से आए हैं उनके संबंध में प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जैसे कि लीची किस भाषा का शब्द है, तो ये चीनी भाषा का शब्द है। इसी प्रकार से हम
बहुत सारे ऐसे प्रश्न शब्द रचना से परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, कुछ जो विभिन्न भाषाओं से शब्द सीधे सीधे हिंदी में आ गए हैं उन्हें मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और इसके अलावा मुझे लगता है कि आपको यह पूरा जो टॉपिक है वह क्लियर हो गया होगा और समझ में आएगा और परीक्षाओं में आपके कुछ मदद भी करेगा। धन्यवाद।